सभी को नमस्ते। वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। आज मैं आपके साथ एकदम खस्ता मटरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटरी बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा ली है। वेट में अगर देखें तो करीब 250 ग्राम मैदा है ये। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से मैदे का एक एक कण बिल्कुल अलग हो जाएगा और मटरी एकदम खस्ता बनके तैयार होगी। अब 2/3 छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक इसमें मिला दिया है। इसी के साथ 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन मैंने इसमें मिला दी है। अजवाइन को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर फिर इसमें मिलाएंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब मटरी को एकदम खस्ता बनाने के लिए मैंने देसी घी को हल्का सा गरम कर लिया है। गरम होने के बाद घी को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद इसे मैदे में मिलाएंगे। 250 ग्राम मैदा के लिए मैंने करीब 50 ग्राम घी का यूज किया है। एक बार सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम हाथ से मैदे को बांध कर देखेंगे कि इसमें बाइंडिंग आ रही है या नहीं। और ये देखिए, घी मिलाने की वजह से मैदा अच्छी तरह से बंधने लगा है। घी के साथ ही अब 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने मैदा में मिला दिया है। घी मिलाने से मटरी खस्ता बनेगी और रिफाइंड ऑयल मिलाने से इसमें कुरकुरापन आएगा। और ये देखिए, अब आटा बहुत अच्छी तरह से बनने लगा है। अब बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे और हम मैदे को गूंथते जाएंगे। इसका हमें बिल्कुल टाइट सा डो बनाकर तैयार करना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा ही पानी मिलाएं और फिर उसे गूंथते जाएं। मटरी के लिए मैंने इस मैदे को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथा था। मैदे में जितनी बढ़िया बाइंडिंग आएगी, मटरी उतनी ही अच्छी बनेगी, इसलिए थोड़ा टाइम देकर मैदे को बहुत अच्छी तरह से गूंथ लें। एक बार गूंथने के बाद मैदे को 10 मिनट तक इसी तरह से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और मैदा अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। एक बार इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैदे में अब हल्का हल्का सा ढीलापन भी आ गया है। मटरी बनाने के लिए अब हम इस तरह से छोटी छोटी सी इसकी लोई बना लेंगे और इसे इस तरह से हाथों की हेल्प से प्रेस कर लेंगे। अब मटरी फ्राई करते समय पूड़ी की तरह फूले नहीं, इसके लिए कांटे की हेल्प से इसके ऊपर छेद बना देंगे। और ये देखिए, इस थिकनेस की मटरी हमें बनाकर तैयार करनी है। मटरी को ना तो हमको बहुत ज्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। अब मैंने लो मीडियम ऑयल पर रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया था। इसमें सभी मटरी को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। एकदम खस्ता क्रिस्पी मटरी बनाने के लिए मटरी को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मटरी को हमें बहुत ही आराम से फ्राई करना है, मतलब एक बैच फ्राई होने में करीब 8 से 10 मिनट का समय लगता है। तो मैंने लो फ्लेम पर मटरी को आराम से फ्राई होने दिया है। बीच बीच में 3-4 बार पलट पलट कर हम इसे फ्राई करेंगे। हलवाई के सामानों में खस्तापन इसी वजह से आता है क्योंकि वो बहुत ही धीमी आंच पर बहुत देर तक चीजों को फ्राई करते हैं। जैसे कभी आपने हलवाई की दुकान पे समोसे बनते हुए देखे होंगे ना, तो समोसों को वो कम से कम 15-20 मिनट तक एक बैच को फ्राई करते हैं और इसी वजह से हलवाई के समोसों में अलग ही टेस्ट आता है। इसी तरह से मटरी को भी बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करना है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर की मटरी फ्राई हो चुकी है। अब तिकोने शेप की मटरी बनाने के लिए छोटी सी लोई को हमें एकदम पतला करके बेल लेना है। इसके बाद 1/2 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच मैदा मैंने मिला ली है। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सूखा सूखा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमने जो लोई बेली है उसके ऊपर इस तरह से पतला पतला सा फैला देंगे। अब लोई को इस तरह से हम 1/2 फोल्ड कर लेंगे और फिर से हम थोड़ा सा मिक्सचर इसके ऊपर लगा देंगे। अब दोबारा से हम इसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारी तिकोनी मटरी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम इस तरह से एक काली मिर्च से लॉक कर लेंगे। काली मिर्च से लॉक कर देने पर मटरी फ्राई होते समय फूलेगी नहीं और ये खुलेगी नहीं। काली मिर्च को इतना दबाएंगे कि ये दूसरी साइड से पार हो जाए।
अब गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम के बीच में फिर से रखा है और इस मटरी को भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब फिर से वही है, 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर पलट पलट कर हम इन मटरी को भी फ्राई कर लेंगे और जब अच्छा सा गोल्डन कलर मटरी में आ जाए तो फिर हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट मटरी बनकर तैयार हुई है। एकदम खस्ता, कुरकुरी, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आ रहा है। इसी तरह की और भी रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।